दोस्तों गदर 2 के महा सक्सेस के बाद सनी देओल फिर से एक बार वापस आ रहे हैं अपने एक और पुरानी यादें बॉर्डर की सीक्वल बॉर्डर 2 के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, गदर 2 के बाद अब बॉर्डर 2। लगता है सनी देओल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसा इतिहास रचने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो। 1997 में रिलीज हुई थी फिल्म बॉर्डर, डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया था जेपी दत्ता ने। दोस्तों अपडेट जो मिल रहा है उसके मुताबिक जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता दोनों मिलके पिछले 2-3 सालों से प्लानिंग कर रहे थे बॉर्डर की सीक्वल को लेकर, और अब फाइनली वो लोग एक नतीजे पे आके पहुंचा है। बॉर्डर 2 के लिए जो स्टोरी सोचा गया है वो स्टोरी इससे पहले कभी भी बड़े पर्दे पे किसी ने प्रेजेंट नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने बॉर्डर 2 के लिए 1971 की इंडो पाक वॉर का बैकड्रॉप चूज किया है। बॉर्डर 2 में 1971 की द ग्रेट इंडो पाक वॉर की स्टोरी को दर्शाया जाएगा दर्शकों के बीच में। प्लॉट तो लॉक हो गया है बॉर्डर 2 का 1971 की इंडो पाक वॉर, और बहुत ही जल्द स्क्रिप्ट राइटिंग भी चालू हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं, बॉर्डर फिल्म की तमाम स्टार कास्ट से सिर्फ सनी देओल ही बॉर्डर 2 में रहेगा। बाकी के लोग जैसे अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, वो लोग शायद वापस नहीं आएंगे। जेपी दत्ता यंग एक्टर्स को ही कास्ट करेंगे बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ। फिलहाल दोस्तों इतना ही अपडेट मिल रहा है बॉर्डर 2 से जुड़ी। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो बॉर्डर 2 के और भी अपडेट जानने के लिए। थैंक यू आपका, जय हिंद।